तो इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी हुई खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस से किस तरह से किसान भिड़ते घमासान नजर आया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कोशिश यही पुलिस द्वारा की जा रही थी, आंसू गैस जब दागे गए, कि लोगों को पीछे किया जाए, बॉर्डर क्रॉस करने ना दिया जाए, और इसके लिए कई बार आंसू गैस के गोले दागे गए। हवाई फायर भी पुलिस को यहाँ पर करना पड़ा। तो किसान और पुलिस वाले अब आमने सामने हैं। लगातार कोशिश यही की जा रही है दोनों तरफ से। किसानों की बात करें तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की बात करें तो वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और इसी दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे गए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो पहुंच चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर 5 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, बैरिकेड्स, उनके ऊपर कटीली तार लगी हुई है और किसानों को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। और यही कारण है कि पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसान रुक नहीं रहे हैं, उनके कदम थम नहीं रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां पर, जो भी ब्लॉक्स लगाए गए हैं, वो सब हटा रहे हैं, फेंक रहे हैं। मेरे सहयोगी भास्कर की एक रिपोर्ट आपको सिंघू बॉर्डर से दिखाते हैं। देखिए सिंघू बॉर्डर पर किसान जैसे जैसे आगे पहुंच रहे हैं पुलिस बैरिकेडिंग के पास, पुलिस बिल्कुल अलर्ट है। आप देखिए लगातार यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों के ऊपर में। कोशिश ये की जा रही है किसानों को फिर से एक बार धकेला जाए। आप देखिए कई राउंड यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसान फिर से तितर बितर हुए हैं। आगे लगातार चल रहा है ये पूरा इलाका, आप देख सकते हैं तकरीबन दर्जन भर से अधिक सुरक्षाकर्मी जो आगे हैं उनके हाथ में टियर गैस सेल है और वो यहाँ से छोड़ा जा रहा है। हर तरफ से धुआं धुआं है और लगातार यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी और किसान ने बिल्कुल आसपास दबा गए थे, उसके बाद ये फायरिंग शुरू हो गई है किसी तरह से इसको रोकने के लिए। तो भास्कर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े। कोई भी किसान हटने को तैयार नहीं है। जय जवान, जय जवान, जय बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो किसान हैं और इनके जो प्रतिनिधि हैं हाथों में झंडा लिए आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का एक जत्था पहुंच गया है, तो हजारों की तादाद में किसान पानीपत से भी आगे निकल गए हैं। मेरे सहयोगी कुमार सोनू किसानों के साथ चल रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह जी। क्या मांगे हैं आप? ये तीन काले कानून पास किए गवर्नमेंट ने, हम उनको वापस करवाने के लिए जा रहे हैं दिल्ली। 4 महीने से किसान सड़क पे है, कोई नहीं सुन रहा है हमारी। हमारे गले खराब हो गए, तबीयतें खराब हो गई बोल बोल के, लेकिन कोई नहीं हमारी आवाज को और सुनता है। सरकार गुंगी बहरी हो रही है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये चुप बैठ जाएंगे। किसान चुप बैठने वाला नहीं है, अब सड़क पे आ गया किसान। इतना ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपने देखा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा ये पीछे मुड़ने की बात नहीं कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको तस्वीरें में दिखा दूं कि किस तरीके से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर कर जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देखिए दो दो ट्रॉलियां जो है एक साथ जोड़ी हुई है, पूरा तिरपाल से कवर किया हुआ है ताकि ठंड भी जो है
इनका रास्ता ना रोक पाए। और ये तमाम वो किसान हैं जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल देखिए आप ये तस्वीरें हैं, काफ़ी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किया गया है। ये सोनीपत और पानीपत का जो बॉर्डर है उसके नज़दीक की तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। और हालांकि इन्होंने नारा दिया है दिल्ली कूच का, और दिल्ली कूच के लिए ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी से खड़े हैं, हालांकि अब इन्हें रोका नहीं जा रहा, रोका इन्हें सिर्फ करनाल में गया था। करनाल के बाद ये लोग पानीपत की तरफ मूव किए और पानीपत से अब आगे की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि पूरा जो नेशनल हाईवे है उस पर लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, ट्रोलियाँ ही ट्रोलियाँ हैं। तमाम पुलिस जो है इनकी सुरक्षा में यहाँ पर लगाई गई थी ताकि किसी भी तरीके से कोई असामाजिक तत्व इस प्रदर्शन में ना घुस पाए। फिलहाल शांतिपूर्वक इनका प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। ये लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इनकी मांग है कि जो कानून लाया गया है, किसान कानून लाया गया है, उसको जो है वापस लिया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई जो है नुमाइंदा इनसे बात करने नहीं पहुंचा है। हालांकि दिल्ली की तरफ से जो है, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि कोविड-19 के चलते कोई प्रदर्शन जो है दिल्ली में नहीं हो सकता है और परमिशन नहीं दी गई थी, लिहाजा इन्होंने जो है, आपको देखे तस्वीरें देखे आप, एक और ट्रैक्टर, इसमें भी दो दो ट्रोलियाँ जोड़कर ये लोग चल रहे हैं। अगर ट्रैक्टर की कमी हुई तो इन्होंने उस कमी को दूर किया इसी तरीके से। और आप ये देखें किसान जो है यहाँ पर चल रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये दिल्ली सोनीपत जो पानीपत और दिल्ली का बॉर्डर है उसकी तस्वीरें हैं। और आप देखें सुरक्षा बल जो है चप्पे चप्पे पे तैनात है, लगातार पूरी मुस्तैदी से लगातार कल कोशिशें हुई कि किसी भी तरीके से किसान बांध जाए, लेकिन माने नहीं। उसके बाद अब किसान पानीपत टोल नाका से सुबह 9 बजे ये लोग निकले हैं चाय नाश्ता करके। अब इनका ये कहना है कि जो दिन का खाना है वो दिल्ली में होगा। फिलहाल दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे पूरे प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, भारी तादाद में सुरक्षा बल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो जवान हैं वो किसानों को रोक पाए, किसानों को दिल्ली में एंट्री करने से रोक पाए। लेकिन किसानों का हौसला जो है बड़ा अडिग दिख रहा है इस वक्त तक, तो लगातार जो है किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे सहयोगी कुमार सोनू की रिपोर्ट में आपने देखा कैसे पानीपत से निकल पड़े हैं किसान, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर मेरी एक और सहयोगी दीक्षा पांडे मौजूद हैं, जिन्होंने वहां मौजूद किसानों से बात की, सुनिए। नो बैरिकेशन, छोटे बड़े जब अभी घर तो तुरे हैं, एक आपके मन के फैसला करके तुरे हैं, मरांगे जा दिल्ली के जाके खड़ांगे। आगे की बाधाओं से आप लोग डरने वाले नहीं हैं? हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरते नहीं। हम लोग यहाँ सीढ़ी ले देंगे जी, सीढ़ी लेने आए हैं, घर कह के आए हैं, हमारी आस ना करो जी। सरकार का लड़ेंगे तो ये सरकार में मरेंगे हमारे। ये कहा जा रहा है कि बिल तो कुछ महीने पहले पास हुआ, नाराजगी अब क्यों? नाराजगी भी उधर दी एजिटेशन पंजाब एजिटेशन पंजाब चल रहे 3-4 महीने हो गए, ट्रेना बंद ने। अगर आप हिंदी में बात करेंगे ना तो पूरे दर्शकों को समझ आएगा। हिंदी च असी बात करनी चाहते हैं पर असी पंजाब तो आए हैं, लोगों को साड़ी भाषा का भी पता लगना चाहिए है ना, पहली गल। दूजी गल, हमारे पंजाब में 3 महीने से एजिटेशन चलती है, पंजाब की ट्रेनें बंद हैं, पंजाब की हर चीज बंद पड़ी है और मोदी सरकार बैठ के वहां से देख रही है भी क्या चलता है, अभी तक नहीं पता चला। 3 महीने में नहीं पता चला, जब वोट लेनी है तो 3 महीने में 50 गेड़े लगाते हैं, जब वोट का टाइम है तो 50-50 गेड़े, अभी 3 महीने में सड़कों पे हैं तो एक भी गेड़ा नहीं। अच्छा सर, एक और चीज की MSP को लेकर क्या? MSP की ये नाराजगी है हमारी, हाँ। इस पे ये बोल ही नहीं रहे, हाँ। तीन कानून इन्होंने लागू किए हैं, हाँ। ठीक है, अगर ये एक और कानून लागू कर देते हैं, हाँ। कि MSP आपको मिलेगी पक्की, क्यों नहीं करते जी, जी। इस पे क्यों नहीं बोलते, इसलिए तो बोलते नहीं। और आपका जो मीडिया है, आज आप हमको कह रहे हो कि हम आज हुआ ये काम, आप क्यों नहीं आए? हमारे आर्टिस्ट थे जो उन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक पर बहुत डाला है कि पंजाब में रोज हो रहा है, आपका एक भी मीडिया नहीं पहुंचा वहाँ, कुल मिला के आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। पंजाब का मीडिया था वहाँ पर, आपका मीडिया नहीं पहुंचा। मैं आपको सर
सरेआम कह रहा हूँ, ये बात है, ये नाराजगी हमारी, हमने होश से भी और जोश से भी आ जाए, हम तीन चार महीने से हम वहीं पर बैठी हैं। जी जी ठीक है, ये बात है। ठीक है सर, ये मंडी को लेकर भी बड़ी नाराजगी चल रही है कि मंडी का जो प्रचलन है वो खत्म हो जाएगा, क्या नाराजगी आपकी? जो किसान है जो मंडी टूटना ये उजड़ जाएगा। क्यों लग रहा है आपको उजड़ जाएगा? देखो फसल का भाव नहीं हमारे को पूरा मिलना, बड़े बड़े जड़े है मौला हमारे और उसको स्टोर कर लेंगे, स्टोर करके फिर अपने भाव बेचेंगे उसको। प्याज का रेट बढ़ता है इस साल में कितनी बढ़ता है? कितना रेट बढ़ता है कितनी? देखो रेट बढ़ गए, दवाइयाँ बढ़ गया, ये हम धक्का है हमारे साथ, सर्व सही सरकार का धक्का, ये हम नहीं होने देंगे। अच्छा, सरकार की बातों को लेकर विश्वास भी है आप लोगों के मन में? आप ये चाहते हैं कि वो जो भी चीज़ें वो लिखित रहे, हमारे को लिखती रहे, नहीं तो करेंगे ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं कुछ कमाते हैं कुछ, हम लिखती रहे हमारे को तो हम मनने को तैयार हैं, हमें अपने धरने चक्कर देंगे जो हमारे को लिखती रहे कि हमें ये, हमें इसके जबान पर नहीं रहेंगे, ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार जो है जो बात कह रही है उस पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? नहीं, हमारे को विश्वास, कई बार हमारे साथ पैदा कर लिया ना, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करे, हमारे को विश्वास टूट गया है सरकार का, ऐसे झूठे झूठा मंत्री ऐसा कभी, ये जो प्रधानमंत्री है कोई नहीं आया यहाँ ऐसा प्रधानमंत्री जैसे, ये झूठ बोल रहा है। जिसने 15 जोश के साथ जो है आप किसान जो है आंदोलन के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या नाराजगी, क्या मांग है, क्या चाहते हैं, क्या सरकार करे? जुडिशरी, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, व्यापारी सब तंग है, अब फार्मर तंग है, फार्मर इकट्ठे हो गए, लेकिन पहले इन्होंने हुए लेकिन इतना वो संगठन उस नहीं कर सके, तो हम भी आपके साथ कहने का मतलब हर कोई दुखी है इस सरकार से, इनकी रणनीतियों से हर कोई दुखी है, उस फर्क इतना की फार्मर इकट्ठे हो गए, बाकी हो गए। देखिए यहाँ पर जो किसान पहुंचे उनके अंदर नाराजगी है, जाहिर तौर पर उनका यही कहना है कि सरकार पर उन्हें विश्वास नहीं है, जो भी कानून वो बना रहे हैं वो लिखित में दें, और इसी को लेकर देश भर में अब किसानों का आंदोलन चलने लगा है, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक अब पहुंचने की पूरी जिद है, और इनका यही कहना है कि चाहे जितने भी रोकने के प्रयास कर लिए जाएं ये दिल्ली तक अपना आंदोलन करके ही रहेंगे। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी। दिल्ली सरकार ने बनन तो पहला 15 लाख के लारे लाए, 2 करोड़ सालाना नौकरी के लारे लाए, चंगे दिन लियाण के लारे लाए, पर वो सारे जुमले हो गए क्योंकि मोदी सरकार ने अडानी ते अडवाणी की फीस लेके इलेक्शन लड़ी ते कुर्सी ते बह गया, ते जिन्हों लोगों ने वोटा पाइया उन्हां दे गर्दना ते अन्नदाता कहना किसान नू ते उन्हूं वड्याउणा ते उहदी गर्दन ते खुंडा गंडासा रखता कि अपने खेत च अपनी मर्जी नाल बीज भी नहीं पा सकता, अगर कोई गाय मैस बच्चा कटा दिंदी है तो उहदा मालिक भी वो नहीं हो सकता, ते 8 घंटे की बजाय फैक्ट्रिया च 12 घंटे ड्यूटी ते तनखा उही, यह जे माड़े कानून लिया के दते के जेड़ा नोटबंदी का कानून बनाया वो बहुत खतरनाक गरीब लोग। जी आप भी पहुंचे हुए यहाँ पर, जी आप लोग पहुंचे हुए, जैसे ये बता रहे हैं कि बीज का भाव अपना नहीं मिलेगा, जो अपना एमएसपी जो है वो नहीं मिलेगा, ये आपकी भी नाराजगी है? यही पूरी नाराजगी है, पूरी ऐसे है, यहाँ से यूपी से यहाँ से जीरी लेके यहाँ के किसान गए हैं पंजाब में, हमने बहुत सारे ट्रक थानों के बीच पकड़ के दिए, अगर एमएसपी यहाँ यूपी के किसानों को मिलता तो वहाँ जाके वे क्यों बेचते, यहाँ से 1000 रुपये खरीद कर वहाँ से 1900 रुपये बेच रहे हैं, व्यापारी लेके व्यापारियों का फायदा कर रहे हैं, किसान मजदूर नू आपके साथी भी यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? जिन्ना देर तक साडे मसले नहीं हल होंगे उन्ना देर तक साडा आंदोलन जारी रहेगा जी, चाहे 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल लग जाए, घर तो आए हैं जी असि पूरी तैयारी, हाँ जी हाँ जी, सारा अपना राशन सारा कुछ लेके कपड़ा लीडर साहब लेके घरों सत श्रीकाल बुला के पूरी तैयारी करके शाम में राशन लेके आए हैं, कोई सानू मौका कर देगा बाप जरा तो मर्जी कर सन उन्होंने डरना वाले नहीं सीखे, आप भी शामिल है प्रदर्शन में? हाँ, वो
बात करें या उनकी कोई ना कोई सलाह मैसेज भेजें या आप उधर आराम से बैठ जाएं तो हम आपसे बात करें। पुलिस लगातार आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कहना है आप लोग उनसे करा रहे हैं। नहीं, जिद हमारी कोई नहीं है। देखिए, बाप जो होता है वो बच्चों की जो परेशानी होती है सुनता है ना, समझ लिए हमारे बाप ही है। बच्चों की जो परेशानी वो सुने, जो अच्छा बुरा है हमें बताए, तो हम उसे कुछ मान ना माड़ा बोलना चाहते हैं, ना बुरा करना चाहते हैं, ना इधर कोई दंगा करना चाहते हैं। वो हमारे पिता है, हम बच्चे हैं, मतलब बच्चों की बात सुने हमारे, तो हम यही चाहते हैं बस कि हमारे फायदे के लिए बात करें। रोल सिंधु बॉर्डर पर हुआ, और ये करनाल रोड है, और यहाँ की तस्वीर आपको भी हैरान करेगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, और इनकी नाराजगी है किसान बिल को लेकर, और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। टुकड़ा टुकड़ों में ये जगह जगह पर बैठे हुए हैं, और साथ ही पूरे साजो सामान यानी पूरी तैयारी के साथ, राशन के साथ, और जितने भी दैनिक जीवन की जितनी जरूरत की चीजें होती हैं उनको यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए तमाम ट्रक यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमावड़ा है और लगातार सरकार के विरोध में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, और उनका यही कहना है कि कितने भी रोकने की कोशिश करनी जाए, ये दिल्ली आंदोलन करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें दीक्षा अब तक पहुंचा रही थी, बता रही थी किस तरीके से एक जो दल है किसानों का, वो वहीं बैठकर नारेबाजी कर रहा है सरकार के खिलाफ किसान बिल को लेकर। किसानों के आंदोलन पर हर तस्वीर, हर बड़ी खबर पहुंचाएंगे आप तक एक छोटे से ब्रेक के बाद।